इस साल बैसाख अमावस्या पर एक ही दिन में तीन तरह के सूर्य ग्रहण दिखेंगे, जिसे वैज्ञानिकों ने हाइब्रिड सूर्य ग्रहण कहा है। माना जाता है कि बैसाख अमावस्या के दिन पितरों के तर्पण बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को बैसाखी अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। इस बार संयोग से 100 साल बाद हाइब्रिड सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। इस बार सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल गुरुवार को लगने जा रहा है। ऐसी मान्यता है कि दोस्तों अमावस्या के दिन पितरों के नाम से दान करना बड़ा ही फलदायी होता है, लेकिन इस बार यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, इसलिए सूर्य ग्रहण का अमावस्या पर कोई असर नहीं होगा। बैसाख अमावस्या की अवधि, इस बार बैसाख अमावस्या 20 अप्रैल को पड़ रही है, साथ ही इसी दिन सूर्य ग्रहण भी दिखेगा। बैसाख अमावस्या का मुहूर्त 19 अप्रैल सुबह 11:23 से शुरू होगा और इसका समापन 20 अप्रैल को सुबह 9:41 पर समाप्त होगा। 20 अप्रैल को सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 5:51 से लेकर रात को 11:11 तक रहेगा। सूर्य ग्रहण की अवधि, यह सूर्य ग्रहण सुबह 7:04 से शुरू होगा और दोपहर 12:29 पर खत्म होगा। इस सूर्य ग्रहण की अवधि 5:24 की होगी। इस सूर्य ग्रहण के 2 दिन बाद देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा। यह ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए इस ग्रहण का सूतक काल भी नहीं माना जाएगा, लेकिन इस सूर्य ग्रहण का असर सभी राशियों पर पड़ेगा। बैसाख अमावस्या पर आपको ये खास काम करने हैं। अमावस्या के दिन पितृ दोष और ग्रह दोष को दूर करने के लिए मैं आपको कार्य बताती हूँ। बैसाख अमावस्या पर सूर्य ग्रहण का सूतक नहीं लगेगा, इसलिए दान पुण्य किया जा सकता है। इस दिन घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए हनुमान जी का पूजन कर सकते हो। अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में से जैसे गंगा यमुना सरस्वती में स्नान करने का भी विधान है। बैसाख अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण का ये रहेगा असर। इस बार सूर्य ग्रहण मेष राशि में लगने जा रहा है। ग्रहण के समय शनि की तीसरी वक्र दृष्टि सूर्य पर होगी और मंगल पर भी होगी। केतु के स्वामित्व वाले नक्षत्र में यह ग्रहण होगा, इस कारण भूकंप आने की संभावनाएं हैं। युद्ध होने के योग है, मेष राशि वालों को विशेष सावधानी रखनी होगी। महंगाई बढ़ेगी, सोने के दाम बढ़ सकते हैं, साथ ही सूर्य पर राहु और केतु की दृष्टि भी होगी, जिसके कारण वर्ष करना तुला मकर और मीन राशि के जातकों को ग्रहण के दौरान सावधानी रखनी होगी। कहाँ कहाँ दिखेगा सूर्य ग्रहण? यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा। यह सूर्य ग्रहण चीन, अमेरिका, माइक्रोनेशिया, मलेशिया, फिजी, जापान, समोना, सोलोमन, सिंगापुर, थाईलैंड, कंबोडिया, आर्कटिक, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वियतनाम, ताइवान, पापुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण हिंद महासागर और दक्षिण पश्चिम महासागर जैसी जगह पर दिखाई देगा।